महाराज, नमस्ते मित्रों। इकाई 5 धरती को महकाए, उसका अभ्यास और स्वाध्याय आज हम देखेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न, इस काव्य को टेप रिकॉर्ड द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। हमने जो वीडियो भेजा है आप उन्हें दोबारा देखिए और काव्य का गान कीजिए। प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना, अपने अंदाज से उत्तर लिखने हैं। यदि सूरज न निकलता तो यदि सूरज न निकलता तो दिन ही नहीं होता, हमें सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं पर भी वनस्पति नहीं होती और हरियाली का नामो निशान मिट जाता। सूर्य के न निकलने पर न बादल होते और ना ही वर्षा होती, इस प्रकार का विनाश पृथ्वी पर होता। यदि बगीचे में पेड़ चलते तो यदि बगीचे में पेड़ चलते तो बड़ी आफत मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी डालियां टहनियां टूटकर नीचे बिखर जाती, कोई व्यक्ति बगिया में नहीं जा सकता। सचमुच यह एक बड़ा ही विलक्षण दृश्य होता। यदि दीपक बोलता तो, मित्रों सोचना है कि यदि दीपक बोलता तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी बात, अपने मन की बात हमसे कहता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। यदि पेड़ पौधे न होते तो दुनिया में हरियाली नहीं होती। उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि हमें नहीं मिल पाता। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीज़ें भी हमें नहीं मिलती और पूरी दुनिया वीरान लगती। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो आपने अपने आसपास फूल देखे होंगे, जैसे कि गेंदा, चमेली, गुड़हल, चंपा, गुलाब, मोगरा आदि। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सारे प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और सूर्य प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। सही जोड़ मिलाइए, यहाँ देखिए, सही जोड़ मिलाइए, यहाँ हमें जोड़ मिलाने हैं। फूल खुशबू दे, फूल का काम है खुशबू देना। सूरज हमें गर्मी देता है इसलिए गर्मी देना। दीपक, अंधेरा हरना। मानव, अच्छे अच्छे काम करना। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इन शब्दों के अर्थ हमें कविता में से खोजने हैं। समानार्थी अर्थ यहाँ पर लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग यहाँ करना है। यहाँ देखिए, पुष्प तो फूल, मुझे फूल पसंद है। रवि का सूरज, यहाँ सूरज दिया गया है। सूरज प्रकाश देता है। भूमि यानी धरती, यहाँ पर शब्द दिया गया है धरती। धरती उपजाऊ है। मानव तो इंसान बुद्धिशाली होता है। दिया का अर्थ है दीपक। दीपक प्रकाश देता है, इस प्रकार शब्द के अर्थ लिखने हैं और वाक्य प्रयोग करना है। चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ चित्र दिया गया है, सूर्यमुखी का फूल है और सूरज का चित्र है, इन दोनों को देखकर हमें यह वाक्य प्रयोग करना है। तो दोनों के बारे में हम पहले सुने फिर लिखे। सूर्य
जो है वह दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय हम जानते हैं कि पूर्व दिशा में होता है। शाम को यह सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्य सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। बड़े सवेरे सूर्य का उदय होता है तब सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, तब सूरजमुखी का फूल भी खिलता है। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग रूप खुशबू होते हैं। सूर्य के चित्र के सामने एक सूरजमुखी का फूल है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। परंतु इसकी यह खूबी है कि यह फूल हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है। इस प्रकार आपको वाक्य रचना करनी है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर लिखने हैं। तुम्हारा नाम, यहाँ पर खोजना है कि तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर क्या लिखना है। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, कोई यहाँ पर लिखना है, कोई। खाने के लिए कुछ तो दे दो, कुछ यहाँ पर लिखना है, कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अपना शब्द यहाँ पर लिखना है, जो सर्वनाम शब्द है वह लिखना है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप सर्वनाम शब्द यहाँ पर लिखना है, आप कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उचित आवाज में पढ़िए और समझिए, इसे ऊंची आवाज में पढ़ना है। और ध्यान रखना है कि संयुक्त अक्षर वाला अक्षर कौन सा है। आपने संयुक्त अक्षर का वीडियो देखा है और उसी के आधारित आपको यहाँ समझना है। प्रमाण, प्रमाण में प्र संयुक्त अक्षर है। ग्रहण में ग्र, ट्रेन ट्र, राजेंद्र उसमें यह अक्षर संयुक्त अक्षर है। सूक्ष्म क्ष आधा है और म जुड़ा हुआ है, लक्ष्म संयुक्त अक्षर है। ड्रामा उसमें यह पहला अक्षर संयुक्त अक्षर है। श्रमिक श्र संयुक्त अक्षर है। कवयित्री त्री जो है वह संयुक्त अक्षर है। कार्यक्रम क्र संयुक्त अक्षर है। श्रृंगार श्रु संयुक्त अक्षर है। शरत चंद्र द्र संयुक्त अक्षर है। श्रेष्ठ यहाँ पर ष्ठ श आधा है और ठ जुड़ा हुआ है, इसे ष्ठ संयुक्त अक्षर है। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो फूलों से हमें खुश रहने की सीख मिलती है। फूलों से यह सीख मिलती है कि आंधी हो या तूफान हो, हमेशा हंसते रहना चाहिए। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक स्थिति में खुश रहना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। सूरज की किरणें क्या करती हैं, तो सूरज की किरणें पृथ्वी पर आकर अंधकार को दूर करती हैं और प्रकाश फैलाती हैं। दीपक जग को कैसे रोशन करता है, तो दीपक अपना अंतर जलाकर जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पूछा गया यह प्रश्न है कि आप क्या करेंगे। तो अगर धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर न फेंकें, तभी धरती अधिक से अधिक सुंदर बनेगी। और धरती पर हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हम बाग और फुलवारी लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे, तभी धरती को स्वच्छ और सुंदर
बना सकेंगे। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें हमेशा अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न दो, आपकी कल्पना में, यहाँ जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है, जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही, यहाँ देखिए इस घेरे में फूल शब्द लिखा है, फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़िये में जो शब्द लिखे हैं वह भाव हमारे सामने आ जाते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे, जैसे कि फूल शब्द बोलते ही हमें स्मरण होता है कि ताजगी, सुगंध, खुशी, कोमलता, उसके रंग आदि सब कुछ याद आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए चांद, चांद शब्द सुनते ही हमें याद होगा कि शीतलता, चांदनी, किरणें, आनंद, सारे शब्द याद आते हैं। आपको लिखना है चांदनी, शीतलता, किरणें, आनंद आदि, यहाँ पर लिखना है। धरती, धरती नाम सुनते ही सागर, वन, पशु, पर्वत आदि शब्द याद आते हैं जो यहाँ पर आपको लिखने हैं। वृक्ष, वृक्ष सुनते ही डाल, फल, फूल, तना, पत्तियाँ आदि शब्द याद आते हैं, आपको वे सारे शब्द यहाँ पर लिखने हैं। प्रश्न तीन, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। यहाँ समान प्रास वाले शब्द दिए हैं, मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, यह शब्द गलत हैं। यहाँ पर आपको ये शब्द देखने हैं, ता प्रत्यय वाले शब्द समान प्रास हैं, पीछे आ सुनाई देता है, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता, यहाँ ता जो लिखा है ता समान प्रास है। यहाँ देखिए लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, ई जो अंत में है वह समान प्रास है। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा, यहाँ पर आ समान प्रास हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन करना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पंखा, पंखा तो होगा पंखे, घर में पंखे होते हैं। आंख, आंखें, आंखें सुंदर हैं। किताब, किताबें, किताबें बहुत ही अच्छी होती हैं। पौधा, पौधे, बगीचे में पौधे खिले हैं। पेंसिल, पेंसिलें, मेरे पास पेंसिलें हैं। इस प्रकार आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। पांच, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है, इस अच्छी तरह से पंक्तियों को पढ़िए और इसका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। इसमें कहा गया है कि दीपक हमेशा जलता रहता है लेकिन वह खुद जलता है और हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट दुख सहन करें और दीन दुखियों की सेवा करें, उनके दुख दूर करें।
आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं इसमें कि आओ हम सभी इंसान बने, मनुष्य बने और अच्छे सच्चे काम करके इस संसार में अपना नाम रोशन करें। यह भाव इस पंक्तियों में बताया गया है।